मन की भी इम्यूनिटी बढ़ाएं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हो रहा है इन दिनों कोरोना महामारी के दौर में? हम सहमे हुए से हैं, घबराए हुए से हैं और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मन का विचलित होना और नकारात्मकता आना स्वाभाविक है। इस कठिन दौर में मन को कैसे सकारात्मक व ऊर्जावान रखें और सभी के मन में नकारात्मक बातें आ रही है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? मित्रों, हम एक मंत्र बोलते हैं संस्कृत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। शायद हम ये रटा रुटाया मंत्र बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता ना। लेकिन आज सभी मिलकर यह वाइब्रेशन पूरे विश्व के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं सच्चे मन से कि परमात्मा की शक्ति की किरणें सारे विश्व में फैल गई है और यह शक्ति सबके मन को शांत कर रही है। सबका शरीर निरोगी बन रहा है, सभी का जीवन सुखमय बन रहा है, सबके कष्ट दूर हो रहे हैं। हमारे यह वाइब्रेशन अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे। मित्रों, करके तो देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसी महामारी आई है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और इसका परिणाम यह निकला कि शायद पूरी दुनिया इकट्ठे अब डर क्रिएट कर रही है। सब डर गए हैं, चारों तरफ दर्द चिंता का माहौल होने के कारण निगेटिव भाव आ चुके हैं, कहीं न कहीं हमें भी प्रभावित कर रही है। सच कह रहा हूं, आप भी डरे हुए हैं क्या? यदि हमारा मन कमजोर होगा तो हम भी उस डर और चिंता के माहौल में पूरी तरह निगेटिव बन जाएंगे। शायद ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए जैसे कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने को ध्यान रख रहे हैं, ठीक वैसे ही मन की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अर्थात मन की स्थिति को ऊंचा करना है। मित्रों, हमारी सोच से हमारी दुनिया बनती है। हम जैसा सोचेंगे वैसी परिस्थिति हमारे चारों तरफ क्रिएट होंगे। तो आज से आप वही बोलें, वही सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मित्रों, इन दिनों व्यक्ति डर के साय में जी रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सभी यही सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मित्रों, गायत्री मंत्र बोलिए। गायत्री मंत्र का परिणाम जग जाहिर हो चुका है कि यह मंत्र शरीर और मन दोनों को ऊर्जावान बनाता है, आत्मबल बढ़ाता है। कोरोना पर इसका प्रयोग भी किया गया है। अभी चिकित्सकों के द्वारा इसका परिणाम सकारात्मक आया है। गायत्री मंत्र से कोरोना की मृत्यु हुए, यह बात एम्स के चिकित्सकों ने कही है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न तरंग से कोरोना वायरस की मृत्यु हो जाती है एवं कोरोना के पेशेंट अतिशीघ्र ठीक होकर अपने घर को लौटे हैं। मित्रों, जब इतना वेद मंत्रों का यह प्रभावशाली मंत्र हमारे हाथों में है, तो हम किसी मजहब संप्रदाय की बात को छोड़कर सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए सद्बुद्धि की यह प्रार्थना क्यों ही ना करें। हम यहां तक कि अपने स्वयं के लिए भी, मन को मजबूत करने के लिए, इम्यून करने के लिए, हम भी घर परिवार में सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र की प्रार्थना कोरोना से पीड़ित रोगियों के लिए करें। निश्चित रूप से इसका परिणाम सकारात्मक आएगा। मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है, युग परिवर्तन का समय है। मित्रों, यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। अंधकार छटेगा, फिर उजाला आएगा, यह समय भी गुजर जाएगा। तूफान तो आना ही था, सो आया हुआ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, युग बदलता दिख रहा है। मित्रों, और मित्रों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत प्रलय में भी लागू होता है। अपना अहंकार, घमंड, अकड़ और कठोरता छोड़कर मृदु और विनम्र बने, लचीले और सहनशील बने,
तूफान में बड़े बड़े पेड़ धाराशाही हो जाते हैं। कोरोना भी एक तरह का तूफान ही है। सभी धर्मों का मूल सत्य, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, परोपकार का पालन करें। मित्रों, हम दूसरों को क्षमा करें और दया करें, तभी ईश्वर हम पर दया और क्षमा करेंगे। किसी से द्वेष, घृणा या क्रोध ना करें। हमारे मन की प्रसन्नता अपनी बढ़ी हुई जीवनी शक्ति को इंगित करेगी। अनुशासन का पालन कीजिए, सावधानी बरतिए, कोविड आपके निकट नहीं आएगा। सदग्रंथ का अध्ययन कीजिए और रामायण देखकर अपने मन को पुष्टअप करें। प्रभु सबका कल्याण कर रहे हैं। यह समय मनुष्यता को जगाने के लिए आया है। जो नहीं बदलेंगे तथा आसुरी भाव तथा आचरण में रहकर दूसरों से द्वेष, घृणा, हिंसा आदि में लगे रहेंगे, वे बच नहीं सकते। दैवी गुणों को विकसित कर ही बच सकेंगे। आसुरी गुणों पर चलकर मरेंगे। ध्वंस या सृजन, इनमें से जो भी आपको पसंद है, एक का चयन करें। बस यही समय आ गया है। तो शुरू कर दीजिए आज से मन की चिकित्सा। मन को ऊर्जावान बनाएं और आगे बढ़े। गायत्री मंत्र समस्त दुनिया के समक्ष है, इनका प्रयोग आरंभ करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।